3 से 4 दिन में अपना नागपुर शहर में केसेस, कोरोना केसेस का नंबर थोड़ा बढ़ रहा है। इसका ध्यान में लेके कल हम पूरा हमारे हेल्थ का टीम, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर्स, उनके सबके साथ एक डिटेल रिव्यू लिया था। डिटेल रिव्यू के बाद हम पिछले 7-8 दिन का केसेस का डिटेल्स और कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा कैसे प्रकार के स्प्रेड हो रहे हैं, ये सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स शहर में कुछ जगह पे आइडेंटिफाई कर दिया, जिस जगह से कंटिन्यूसली एवरीडे केसेस आने के लास्ट 7-8 दिन से अपने लग रहे हैं। उस एरिया में अभी एक इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्यक्रम अभी शुरू किए है। उस पर उस एरिया में उदाहरण जैताला में हर घर घर डोर टू डोर जाके उनको हर घर पे टेस्टिंग करवा के लोगों का अर्ली आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन करने का काम अभी अपना प्रशासन के द्वारे शुरू हो गया। इस पर मेरा नागरिक को रिक्वेस्ट है, जिस इमर्जिंग हॉटस्पॉट्स एरिया है उस एरिया में रहने वाले लोगों ने उनका एरिया का खुद का सिम्टम आने तक वेट न करके आजू बाजू में जो अपना महापालिका का टेस्टिंग सेंटर्स है, UPSC प्लेसेस में है और कुछ RT-PCR सेंटर भी अलग अलग रखा है, उधर जाके उनका खुद का टेस्टिंग करवा के लीजिए। इससे आपका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से तुरंत हो जाएगा और आपका घर वाले के स्प्रेड करने से हम बच सकते हैं। होम क्वारंटाइन टाइम पे ले लेंगे तो और औषध उपचार कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ हम कर देते अभी जो पिछले 1-1.5 महीना में जो हम देख रहे हैं मार्केट में जो गर्दी भीड़ बढ़ गए और बसेस में भीड़ बढ़ गए सब जगह में, उसी जगह पे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जैसे मास्क यूज़ करने का और हैंड वॉश करने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का, इस चीज़ में जिस जगह पे कमी तरता हो रहे वहाँ पे जैसे NDS के द्वारे जो पेनल्टी लगाने का एक कठोर डिसीशन फुल फ्लेज में अभी करने वाले हैं। इसके अलावा अपना जो होटल एसोसिएशन शॉपकीपर्स उनके साथ भी मीटिंग आज होने वाला है, उनका भी मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। जे मैरिज हॉल्स है, मैरिज हॉल्स में जिसे अब परवानगी दिए है 50% ऑफ द कैपेसिटी होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे अपना पिछले 7-8 दिन में निदर्शन में आया, जिस जगह पे मैरिज हॉल में फुल कैपेसिटी में चल रहे थे और लोगों का वैसे प्रकार का एक कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, उस जगह के बारे में भी हम टफ डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है सर, हॉटस्पॉट के बारे में बताइए, कौन से हॉटस्पॉट होने वाले हैं? नहीं होने वाला नहीं है, ये इमर्जिंग हॉटस्पॉट से हो सकते हैं। जिस जगह से अपना रेगुलर केसेस आ रहे हैं वैसे हम 7-8 लोकेशन आइडेंटिफाई किया है, जैसे कामला है, लक्ष्मी नगर में कामला सिंधी कॉलोनी है, स्वावलंबी नगर जैताला और हनुमान नगर में अयोध्या नगर, अपना अंबाजरी एरिया है, धर्मपेटू है और नेहरू नगर में वाटोड़ा है, दिगोरी है और मंगलवारी में जरीपटका, ऐसे लोगों एरिया में जो हम ज़्यादा फोकस करने वाले डिटेल फोकस। इसी जगह से ज़्यादा आ रहे हैं, इसी जगह से कंटिन्यूस आ रहे हैं केसेस और कुछ एरिया में फ्रीक्वेंटली आ रहे, एक ही घर पर ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इस जगह पे आप ज़्यादा से हाउसिंग सोसाइटीज़ है, उस हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी हमने रिक्वेस्ट किया है, एक आधा केस भी आ गया, एक घर पे भी केस आ गया, बाकी हाउसिंग सोसाइटी वाले ने पूरा सारे मेंबर्स लोगों का टेस्टिंग करवा के लेना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का लिफ्ट कामन रहता है, सब लोगों का CD कामन रहता है, सब लोगों में पेपर देने वाले और दूध देने वाले आदमी कामन ही रहते हैं, इसलिए ऐसे नहीं लगना नहीं चाहिए वो दूसरे घर पर रहते हम दूसरे घर में रहते, सो वो पहला वो जो संभ्रम दूर होना चाहिए इसके लिए वो एग्रेसिव इसको हॉटस्पॉट ऐसे टाइप का हम सोच के उनके ऊपर एक रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी।